हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आई हूँ। हमारे आसपास के लोग एक बीमारी है जिससे ग्रस्त रहते हैं और वो है कब्ज़ की बीमारी। और कब्ज़ लगातार बने रहने से लोगों को बवासीर की बीमारी हो जाती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक 100% बवासीर को दूर करने का नुस्खा बताऊँगी कि जिसका आप सेवन करेंगे तो आपको 3 दिन में ही फ़र्क और फ़ायदा महसूस होगा। और ये जो ड्रिंक मैं आपको बताऊंगी, ये बवासीर तो आपकी दूर करेगी करेगी, साथ में इसके अन्य भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ये कौन सा ऐसी चीज़ है, इसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत अच्छी चीज़ सब्ज़ी है, वो है लौकी। तो ये जो लौकी होती है ये बहुत आम सब्ज़ी है, लेकिन इसके फायदे बहुत होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता है। मैं आपको बताती हूँ कि लौकी में 12% तक पानी होता है और बाकी फाइबर होता है। भारत में लाखों लोग स्वस्थ रहने के लिए रोज़ लौकी का जूस पीते हैं। गर्मियों में इस जूस का सेवन से शरीर को काफ़ी लाभ मिलते हैं, पानी की कमी दूर होती है। लौकी का जूस पीने से आपकी बवासीर दूर होगी, आपकी कब्ज़ की समस्या 100% दूर होगी, साथ में ही ये आपका मोटापा दूर करती है, आपका पित्त कंट्रोल होगा। अगर आपको दिल की बीमारी है तो वो आपकी ठीक होगी, क्योंकि ये हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छी और मुफीद होती है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो बेहतर है कि वो टैबलेट लेने से अच्छा है कि लौकी के जूस का सेवन करें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लौकी हरी और कच्ची होना चाहिए, ताज़ी होना चाहिए। रखी हुई लौकी का कभी जूस नहीं निकालिएगा। जूस निकालने के बाद आपको एक बार सावधानी ये बरतनी है कि जूस को चखना, अगर जूस में आपकी कड़वाहट है तो इसका मतलब आपकी लौकी ठीक नहीं है और आपको उस जूस का सेवन नहीं करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो डेली ये ड्रिंक आप बना के लीजिएगा। तो हम इसको जूसर की मदद से जूस निकाल लेंगे। और इसको तैयार कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने जूसर की मदद से यहाँ जूस निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा लौकी का जूस, जिसे आप निकालने के बाद छन्नी से छान लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लौकी को छीलना है और छीलने के बाद जूसर में डालना है। जूसर में जब जूस निकल आएगा तो आपको उसे छन्नी से छान के एक ग्लास में सर्व कर लेना है। और इसके अंदर जो हमें मिलाना है वो क्या है फ्रेंड्स, हमें इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए और इसके गुणों को और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें आधा नींबू मिला देंगे, एक ग्लास लौकी के जूस में। ये मैंने यहाँ पे आधा नींबू मिला दिया है। और आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स मिलाना है वो है काला नमक। काला नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार मिलाना है, तो ये आपके जूस को बहुत टेस्टी कर देगा और आपकी कब्ज़ की समस्या को चुटकियों में दूर करेगा, आपके पेट को दुरुस्त करेगा। तो ये मैंने काला नमक स्वाद अनुसार मिला दिया है, ये आप मिलाएंगे। उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। बस सिंपल हमारा जूस लौकी का तैयार हो गया है, जो हमें बवासीर की जद्दोजहद वाली बीमारी से छुटकारा दिलाएगा। आपको इसका सेवन किस तरीके से करना है, आपको सुबह उठने के बाद नहार मुंह इसका सेवन करना है। जब आप सुबह खाली पेट उठेंगे तो आपको लौकी का जूस निकालना है, इसे इस तरीके से तैयार करना है गर्मियों में। और इसे और तरोताज़ा और फ्रेश बनाने के लिए आप थोड़े से यहाँ पे आइस क्यूब्स डाल देंगे तो ये इसके स्वाद को डबल और बहुत अच्छा कर देगा पीने के लिए। तो ये मैंने डाल दिया है, ये हमारा बहुत डिलीशियस और बहुत अच्छा जूस तैयार हो गया है। साथ में मैं आपको बताती हूँ, ये आपके कब्ज़ को दूर करने के साथ साथ बवासीर को तो 3 दिन में आपके ख़त्म करेगा, आपको 3 दिन में इससे बहुत आराम मिलेगा, आप इसे ट्राई करिएगा। साथ में ये आपका मोटापा घटाएगा। वो लोग जो वज़न घटाना चाहते हैं उनके लिए लौकी का जूस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस जूस को नियमित पीने से भूख कंट्रोल में रहती है, जो ज़्यादा भूख लगती है वो नहीं लगेगी। इस जूस में ढेर सारे विटामिन, पोटेशियम और आयरन की भारी मात्रा होती है। आप इसे रोज़ सुबह खाली पेट पियेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सेकेंड क्या है फ्रेंड, आपकी पाचन क्रिया सुधारेगा और आपके कब्ज़ को दूर करेगा। लौकी में
ढेर सारा घुलनशील फाइबर होता है। फाइबर जो होता है अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में पहुंचता है तो फाइबर के पहुंचने से हमें कब्ज़ की कभी समस्या नहीं होती है। इसमें मौजूद ढेर सारे पानी के साथ मिलकर ये पाचन क्रिया को आसान बनाता है। इस जूस को नियमित पीने से कब्ज़ ठीक होगा तथा अगर आपको एसिडिटी बनती है तो एसिडिटी में आपको भरपूर आराम मिलेगा। अगर आपकी फ्रेंड्स बॉडी हीट करती है तो ये आपकी बॉडी हीट को भी ख़त्म करेगा, जिसके चलते आपके सिर में दर्द अगर होता है, आपको अपच होती है, तो लौकी का जूस ज़रूर पीजिए। लौकी के जूस में अगर आप थोड़ा सा अदरक मिला लेंगे तो ये और ज़्यादा फायदा करेगा अगर आपके हाथों पैरों में जलन होती है। नेक्स्ट, ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत मुफीद होता है। हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या बन चुकी है। लौकी के जूस में पोटेशियम अधिक पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो ये कुछ बहुत अच्छे हेल्थी टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप एक लौकी का जूस बनाइए और इस ड्रिंक का सेवन करिए और 3 दिन में आप इसके असर देखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।